अलैकुम प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, आज का हमारा मौजू है मस्जिद नबवी में लगे पत्थर का वाक़या। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र के रहने वाले थे। वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफ के तोसी मनसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उन्होंने शाफाहत और बिन लादन कंपनी के असरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्टिकल्चर निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं दो मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँ और क़यामत के दिन अल्लाह का सामना कैसे करूँ। गा उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हट कर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफ की खिदमत की। इस अजीम आदमी की हरमैन शरीफ में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के हसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हर मक्की में मज़ाफ़ छत में लगा हुआ है। इसकी खसूसियत यह है कि गर्मी को जज़ब करके फ़र्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफ़र करके ग्रीस गए और हर्म के लिए काफ़ी मकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया और हर्म मक्का में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि कुर्रे अर्ज पर वो वही जगह ग्रीस ही थी जहाँ ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल की बकाया मकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया, वो मार्बल हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का आधा पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मकदार खरीदी। तो उसने कहा, पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ। उसने अपना नंबर और होटल का पता दे दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि किसने ख़रीदा, अल्लाह ताला खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उसे फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के ख़रीदार का एड्रेस मिल गया है। अब मैं कमाल बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया कि अब क्या करूँगा ख़रीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है। कमाल दफ्तर पहुँचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल ख़रीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया, फिर ज़ोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल ख़रीदा था वो सऊदी थी। कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदीया अरब पहुँचा और सीधा इस कंपनी के दफ्तर पहुँचा और डायरेक्टर एडमिन को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या किया जो ग्रीस से ख़रीदा था। उसने कहा, मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया गया था किधर है, तो उन्होंने कहा वो सारी मकदार मौजूद है और उसको भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। कमाल ने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा, इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मकदार मेरे हवाले कर दो। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है तो उसने कहा, मैं एक रियाल भी नहीं लूँगा, अल्लाह ने यह मार्बल मुझसे ख़रीद कराया और फिर मैं भूल गया। इसका मतलब यही था कि यह मार्बल मस्जिद नबवी शरीफ में इस्तेमाल होना है। यूँ मस्जिद नबवी शरीफ में वो सफ़ेद मार्बल इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।